देखो 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 भाई लोग, अपना भाई आया, भाई आया, अवधेश भाई आया। और मेरे दोस्तों कैसे हो? एक नंबर भाई, एक नंबर। बस मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी आ जल्दी आ। बस भाई दौड़ रहा हूँ, ये देखो। अरे भाई, अरे अरे वो बलून वाले साइड में लगा। अरे आराम से ना भाई। अरे अरे यार, ये बाइक वाले भी ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज हमारी, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आई एम अवधेश। और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही लॉन्ग जर्नी पे, क्योंकि अभी मैं हूँ जबलपुर में और हम जा रहे हैं अमरकंटक। जबलपुर से अमरकंटक हम जाएंगे बाय रोड। कैसे कैसे जाना है मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगा, कि किस रूट में हमको जाना है, अमरकंटक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, और वहाँ कौन सी ट्रेन चलती है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और अभी मैं कर रहा था पैकिंग, देख सकते हैं ओनली इक्विपमेंट इतने सारे और कपड़े अलग रखने के लिए पैकिंग चल रही है। हम आज ही जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे डिंडोरी, डिंडोरी में स्टे करेंगे, फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे अमरकंटक के लिए, क्योंकि अमरकंटक में बहुत सारी जगह घूमने के लिए। हम सुबह सुबह जाएंगे और पूरा दिन भर तो लग ही जाएगा घूमने में, उसके बाद फिर हम रात में आएंगे। तो अभी पैकिंग तो चल ही रही है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, चार्जर है, मोबाइल चार्जर, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ पैक करना है। अभी मैं पूरा पैक कर लूँ, उसके आगे फिर आपको बताता हूँ। जी हम अभी रांची के मार्केट में घूम रहे थे, तो आज बंद है मार्केट। ये सीधी रोड जहाँ हम जा रहे हैं, ये सीधी रोड जाती है डिंडोरी। तो अभी हम जा रहे हैं अमरकंटक, मतलब अमरकंटक हम कल जाएंगे, आज रात को हम डिंडोरी में स्टे करेंगे। तो जबलपुर से डिंडोरी है 144 किलोमीटर और डिंडोरी से अमरकंटक है 85 किलोमीटर। तो जबलपुर से अमरकंटक ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर है। बरसात के मौसम में डिंडोरी अमरकंटक वाली जो रोड है, वहाँ की जो ब्यूटी है ना, नेचर ब्यूटी, वो बहुत ही प्यारी है। जब हम अमरकंटक जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इतने घने जंगल है वहाँ पे, और वहाँ बंदर ही बंदर मिलेंगे। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मंकी फ्रेंड, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। अभी हम आ गए हैं ददर गांव के मिडवे ट्रीट में, मतलब आप कुंडम से सहपुरा जब आएंगे तो कुंडम से सहपुरा के बीचों बीच है मिडवे ट्रीट। सोच रहे यहाँ आए हैं तो थोड़ा कॉफ़ी वगैरह नाश्ता कर लेते हैं। लोकेशन बहुत प्यारी है यहाँ से, वहाँ नीचे तालाब भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा पूरा। बहुत ही अच्छा मिडवे ट्रीट है, आप यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ बहुत ही प्यारी लोकेशन है, देख सकते हैं वहाँ उस तरफ है तालाब, अभी तो भरा नहीं है, बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है ये। ऐसा लग रहा है घने जंगलों के बीचों बीच हम आ गए हैं। ये मेरवे ट्रीट का कार्ड है, आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको
अगर आपके यहाँ विजिट करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्योंकि शाम होने को है, वैसे ही बहुत लेट निकले हैं। हमको दिन में निकलना था लेकिन हम शाम को निकले। आपको अगर यहाँ स्टे करना है तो होटल विजय ग्रांड है, एक ही है, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से हमें सीधे आगे जाते जाना है इस तरफ, और इसके आगे और भी होटल है, मैं आपको और दिखाऊंगा। ये सात्विक भोज बहुत ही अच्छा वेज रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आके डिनर वगैरह कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अभी घुमा रहा हूँ, ये डिंडोरी का मेन रोड है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ है राइट साइड में मनीषा लॉज, यहाँ जैन पेट्रोल पंप है जस्ट उसके बाजू में, और ये आप देख रहे हैं मनीषा लॉज। यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है प्लस होटल है रुकने की व्यवस्था, और जो उसके जस्ट सामने ये नीलम होटल, मनीषा लॉज के जस्ट सामने ही ये नीलम होटल, यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है प्लस होटल है। और ये है एक और होटल, ये होटल नर्मदा इन, जैन पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है इसी के जस्ट सामने। तो अब मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। 8 बजे हम निकलेंगे यहाँ से अमरकंटक के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। The next day. Good morning everyone. तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अमरकंटक के लिए। तो मैं हो गया हूँ रेडी, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को पिक करूँगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे अमरकंटक के लिए। तो यहाँ से अमरकंटक है 86 किलोमीटर डिंडोरी से। तो हमने अभी आधा रास्ता पार कर लिया है, तो चलिए चलते हैं। और रास्ते में बहुत ही शानदार प्लेसेस आने वाले हैं जैसे ही हम अमरकंटक के पास पहुंच जाएंगे, और वहां आपको मेरे दोस्त मंकीज मिलेंगे। मैं बंदरों से आपको वहां मिलवाऊंगा, बहुत सारे बंदर हैं, पूरे का पूरा खानदान है वहां बंदरों का। चलिए चलते हैं आज की रोड ट्रिप पे। यह प्राइन डिंडोरी का तिराहा, ये जो आप राइट में देख रहे हैं, यहाँ जाते हैं मंडला और लेफ्ट से हम जाएंगे अमरकंटक की तरफ। चाय 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 है, चाय चाय है भैया, ओ भैया चाय है नहीं। अभी हम गाड़ा सरई के आगे आ गए हैं, गोरखपुर के पास से हैं, रुके हैं। तो यहाँ हम पियेंगे चाय क्योंकि सुबह से हम अभी कुछ ना खाए हैं ना कुछ पिए हैं। तो यहाँ से थोड़ा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। One pathetic soap story later. Now running the past, can only do that for so long. But I still got the fire, I'm a midnight flyer. But there's one thing that I know, I didn't do this on my own. I didn't do this on my own. अमरकंटक कैसे पहुंचे? सबसे पहले मैं बात करता हूँ वायु मार्ग की। अमरकंटक से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जबलपुर डुमना एयरपोर्ट, जो कि जबलपुर से अमरकंटक की दूरी ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर है।
रेल मार्ग की बात करें तो अमरकंटक सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है पेंड्रा रोड में, जो कि 35 किलोमीटर है, और सुविधानुसार अनूपपुर रेलवे स्टेशन भी है 72 किलोमीटर। सड़क मार्ग की बात करें तो जैसे हम आए हैं जबलपुर से अमरकंटक, तो वो ऑलमोस्ट 230-240 किलोमीटर पड़ेगा, और बिलासपुर से 125 किलोमीटर है अमरकंटक, और अनूपपुर से अमरकंटक है 72 किलोमीटर, डिंडोरी से है 85 किलोमीटर, शहडोल से है 100 किलोमीटर। और अगर यहाँ आप बस से आना चाहते हैं तो डिंडोरी, जबलपुर, शहडोल, पेंड्रा, मंडला और बिलासपुर के लिए नियमित बस यहाँ से चलती हैं। तो अमरकंटक बस हम पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अमरकंटक है। अभी हम यहाँ जाएंगे तो पहले आएगा कबीर चबूतरा, फिर वहाँ से हम जाएंगे अमरकंटक। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्लेस है बहुत ही प्यारा है, यहाँ से आप गाड़ी खड़ी करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि सीधी रोड गई है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। आप यहाँ आएँ और यहाँ फ़ोटो वगैरह खींचिए। अब हम आगे जाएंगे, वहाँ और जंगल सा आएगा पूरा, बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा जैसे किसी प्रकृति की गोद में आ गए हो टाइप। इसीलिए हम रात में स्टे कर लिए थे, क्योंकि अमरकंटक घूमने के लिए सुबह से लेकर रात को जाएगी, इतना सारा है घूमने के लिए। तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं, हम लोग आराम से आए हैं, क्योंकि डिंडोरी से अमरकंटक है 86 किलोमीटर। तो अगर आप जल्दी जल्दी भी आएंगे तो 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे, और अगर आराम से भी आएंगे तो 2-2.5 घंटे आपको लग सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अमरकंटक में रुकने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल के अतिरिक्त कई प्राइवेट होटल, आश्रम और धर्मशालाएं हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म हॉलीडे होम्स, साल वैली रिसोर्ट होटल हॉलीडे होम्स, होटल श्री माता सदन हॉलीडे होम्स, स्विस कॉटेज, कल्याण आश्रम, बर्फानी आश्रम, आरंडी आश्रम। अभी हम आ गए हैं कबीर चबूतरा, ये वाली जो रोड देख रहे हैं ये जाती है छत्तीसगढ़, पेंड्रा और बिलासपुर यहीं से जाते हैं, और ये लेफ्ट साइड से हम जाएंगे अमरकंटक। देखो 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 भाई, लोग अपना भाई आया, भाई आया, अवधेश भाई आया। और मेरे दोस्तों कैसे हो? एक नंबर भाई, एक नंबर। बस मैं अब भी आ रहा हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बस भाई दौड़ रहा हूँ, ये देखो। अरे भाई, अरे अरे वो बलून वाले साइड में लगा। अरे आराम से ना भाई। अरे अरे यार ये बाइक वाले भी ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अवधेश भैया, बड़े दिनों बाद आए हो। अरे मैं बहुत बिजी था, क्या बताऊं यार, आज टाइम मिला तो आ गया। अच्छा अच्छा। और मेरे दोस्तों, ओ भाई क्या रे मामू, ऐसे ही आ गए, कुछ खाने का भी लेके आया? अरे चना लेके आया हूँ ना यार। क्या चना? तुझे तो पता है ना मुझे क्या पसंद है। अरे हाँ सब पता है मुझे। अरे भाई तू कैसे भूल सकता है मेरे केले को। अरे यार केला रास्ते में खा लिया यार मैंने, आज चना खा लिया। चना? तुझे पता है ना भाई मेरे को चना क्यों नहीं खाता हूँ मैं। अरे खा ले यार भाई, आज नाराज मत, चना खा ले। अरे यार तूने पुरानी दिन की याद दिला दी। अरे देखो भाई लोगो, भाई के पास तो है नहीं केला, मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। अरे नाराज मत हो, मैं अभी लौटते में केला लेके आता हूँ तेरे लिए। पक्का? पक्का पक्का। ठीक है भाई, देख के। ओके ओके भाई, टेक केयर, बाय बाय।